हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडोर फोटो शूट करने वाले हैं विद फ्लैश। और यहाँ पे मेरे पास है सिंपैक्स प्रो की फ्लैश और मैं इसमें एक ही यूज करूंगा। और ये मेरी बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी होती है, इसका कलर कभी नहीं निकलता। और सबसे बढ़िया बात मुझे इसकी ये लगती है, इसमें कभी लाइनिंग नहीं पड़ती। तो ये है मेरा कैमरा जो कि मैंने ट्राइपॉड पे अभी लगाया हुआ है और इसी कैमरे से हम फोटो शूट करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो फ़ोन से भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैश का यूज़ किया है, आप चाहें तो बगैर फ्लैश के भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और मैंने ये बैकग्राउंड लिया है और अगर आप चाहें तो बगैर बैकग्राउंड के भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। किसी सिंपल दीवार पे आपको फोटो को क्लिक कर लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपने ट्राइपॉड पे कैमरे को लगा दिया है और हम शूट के लिए रेडी हैं। तो हमने फ़ोटो को क्लिक किया है, फ़ोटो हमारा काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिल जाएगा और भी हम काफ़ी सारे इसमें फ़ोटो शूट करने वाले हैं। और आप अपनी तरीके से खुद भी पोज यहाँ पे ले सकते हैं। हमने एक और फ़ोटो शूट किया है, ये फ़ोटो हमारा काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है और हमने इस फ़ोटो को एडिट करके कुछ इस टाइप का बना लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं ये किस टाइप से हमने बनाया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। LR एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। LR एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको जाना है लाइटिंग के ऑप्शन में। लाइटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कंट्रास्ट को हल्का बढ़ाना है एंड हाईलाइट को बढ़ाना है। शेडो आपको कम कर लेनी है, वाइट भी आपको बढ़ाना है एंड ब्लैक आपको कम करना है। ये सब करने के बाद आपको टेम्परेचर पर क्लिक करना है एंड मिक्स पर क्लिक करना है। मिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रेन को सेलेक्ट करना है, ग्रेन को कर देना है हाई एंड सिचुएशन को कर देना है लो। इससे अगले कलर को आपको सेलेक्ट करना है, इसको भी हाई करना है एंड इसको लो करना है। आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको क्लैरिटी पर क्लिक करना है। क्लैरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको क्लैरिटी बढ़ानी है, डिजाइट भी बढ़ाना है, टेक्सचर भी बढ़ाना है हल्का। इस सब को करने के बाद आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। इसे करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो हैं और आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड आपको इसको लो करने के बाद इसको राइट क्लिक कर देना है। आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको टेम्परेचर पर क्लिक करना है। टेम्परेचर पर क्लिक करने के बाद आपको टिंड को माइनस की तरफ करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम जितना भी माइनस की तरफ आपको बेटर लगता है उतना आप माइनस की तरफ कर सकते हैं। तो गाइस, आपका फ़ोटो काफ़ी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा एडिट करने के बाद। और गाइस, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आगे मिलने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।